मैं बस निकलने ही वाली थी यार, वो आदि के ट्यूटर आने वाले हैं तो मैं बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आप कौन? आपके बेटे आदि का होम ट्यूटर। प्रिया, मैं कॉल बैक करती हूँ अभी। तुम नितिन हो? जी। आओ अंदर। एक मिनट, ये चप्पल आप बाहर उतार देना प्लीज, क्योंकि हम बाहर के स्लीपर्स ना घर में यूज नहीं करते हैं। ओके। सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आप मेरे बेटे को पढ़ा पाएंगे? यस मैम, मैं एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ और मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता तुम पढ़ा पाओगे। एक ना इंग्लिश कोट है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। इंसान की पहचान ना उसके जूतों से होती है, और इंसान को पहचानने में ना मैं कभी चूक नहीं करती। द पॉइंट इज कि मेरे बेटे का ICSE बोर्ड है और सब कुछ इंग्लिश में ही होता है, और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम किसी गांव से बिलोंग करते हो। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारे कपड़े, सब कुछ। और मेरा बेटा आदि अगर तुमसे ट्यूशंस लेगा तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बन जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। सो बुरा मत मानना, मैं बस फैक्ट्स बता रही थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं मैम, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, मुझे तो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए अफसोस हो रहा है। मतलब? मैम, माँ एक बच्चे की पहली गुरु होती है, और जिस माँ की ऐसी सोच हो वो बच्चा आगे चलकर क्या करेगा। कहना क्या चाहते हो तुम? मैम, आपने मुझे बहुत कुछ बोला और मैंने आपको बगैर टोके सुना। अब मैं आपसे कुछ कहूंगा लेकिन आप नाराज मत होइएगा। शायद आपने ना अनपढ़ होने की परिभाषा गलत किताब में पढ़ लिया। शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है, और जिसे जीवन में कुछ करना होता है ना, वो समाज और परिस्थितियों से हार नहीं मानता। आपने मुझे कहावत सुनाई ना, मैं भी आपको एक कहावत सुनाता हूँ, हिंदी में ही सुनिएगा। जिसे पढ़ना लिखना होता है ना मैडम, वो पढ़ ही लेता है। उसके लिए उसे शहर या अच्छे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। अनपढ़ वो नहीं होता जिसे पढ़ना लिखना ना आए, अनपढ़ वो होता है जिसे लोगों की इज्जत करना ना आए, जो दूसरे की शिक्षा का स्तर उसके कपड़ों से आके। गांव वाले ऐसा नहीं करते मैडम, वो सबकी इज्जत करना जानते हैं। हाँ, आपके इस शहर में पढ़े लिखे अनपढ़ जरूर हैं जो एक मिनट नहीं लगाते दूसरे को बेइज्जत करने में। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाले की क्या जरूरत है, क्या मजबूरी है। बाकी रही मेरी बात, 12th में मैंने स्टेट टॉप किया था, UPSC का मेंस क्लियर कर चुका हूँ, इसीलिए NB कोचिंग ने मुझे हायर किया है। बस कुछ परिवार की ज़रूरतें हैं जिनके लिए ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और जितना मुझे इस ट्यूशन की ज़रूरत है ना, उससे ज़्यादा आपके बच्चे को एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू मैडम, हैव ए नाइस डे। सर, आप एक टीचर हैं, आपका काम है लेसन्स देना। मैं समझ गई हूँ, मेरे बेटे के लिए आपसे अच्छा टीचर और कोई नहीं हो सकता। मैं कल से आता हूँ।